झूठी अकड़ दिखाने वालों, चाल बदल कर आने वालों, चोर उचक्कों की धमकी से यूपी नहीं डरा करता है, योगी नहीं डरा करता है। नमस्कार, मैं जनप्रता श्री ओम गौतम और 200 घंटे जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल के लुच्चे लफंगे विधायक सोमनाथ भारती अब जेल से बाहर आ गए हैं। जी हाँ, सोमनाथ भारती, जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने तमाम घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे, महिलाओं के साथ बदसुलूकी करना, महिलाओं को बदतमीजी से बोलना और तो और उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना, इस केजरीवाल के चहेते तथा कथित पूर्व कानून मंत्री को बहुत महंगा पड़ा और 200 घंटे इसको जेल में रहना पड़ा। बाहर आने के बाद सोमनाथ भारती की चाल भी बदली हुई थी और उसका हाल भी बदला हुआ था। सोमनाथ भारती, जो पहले उत्तर प्रदेश में एक पुलिस इंस्पेक्टर को, एक कोतवाल को धमका रहा था कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा तो मैं नंगा कर दूंगा, बाहर आने के बाद उसकी चाल बता रही थी कि इसका जो हाल है वो कितना बेहाल है। और दूसरी तरफ इसकी पार्टी के लोग जिस तरीके से बातें कर रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोमनाथ भारती की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इस आदमी को 200 घंटे उत्तर प्रदेश की जेल में रहने के बाद, सुल्तानपुर की जेल में रहने के बाद कुछ अकल शायद आ गई है, इसीलिए इसकी भाषा भी बदली और इसकी चाल भी बदल गई। बाहर आने के बाद सोमनाथ भारती ने कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने जो किया है उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि जो व्यक्ति पहले कह रहा था कि योगी की मौत तो निश्चित है, अब माननीय और जी भी लगाने लगा है। दूसरी तरफ इसकी पार्टी ने तमाम प्रपंच करने की कोशिश की, तमाम इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की, तमाम चर्चाएं कराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा। हालांकि इसको जमानत तो शनिवार को मिल गई थी, लेकिन चूंकि जमानतदाताओं के जो पत्र थे, उनके दस्तावेज थे, उनकी जांच जरूरी थी, उनका सत्यापन जरूरी था, इसलिए आज ये जेल से रिहा हुआ है। जेल से रिहाई से पहले इससे 50,000 रुपए की जमानत राशि और 2 जमानतदाताओं के हस्ताक्षर लिए गए। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चार्जशीट लगने के बाद में और जांच के दौरान जब जब पुलिस चाहेगी इसको उपस्थित होना पड़ेगा और अदालत में इसकी व्यक्तिगत उपस्थिति बेहद जरूरी है। यानी कि यहाँ पर इस तथाकथित रसूखदार और बहुत ऊंची पहुँच वाले एक विधायक को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी और MP MLA विशेष कोर्ट ने भी ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी दादागिरी या तुम्हारा ये रौब नहीं चलने वाला है। दिल्ली वाले तुम्हारी टोपी पहन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को टोपी पहनाना इतना आसान नहीं है सोमनाथ भारती और अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद ये दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाला कोई भी हो, चाहे MLA हो या पूर्व मंत्री हो या किसी नगर के मुख्यमंत्री का बहुत ज़्यादा चहेता हो, उसको कानून के तहत सजा दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, वहाँ किसी सड़क छाप पार्टी के टोपीबाज नेता की जिद नहीं चला करती है। निश्चित तौर पर इसके बाद में अब अकल आ गई है सोमनाथ भारती को। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती की पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने एक पत्र भी लिखा था उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को और ये कहा था कि वैसे तो पार्टियों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हमारी एक भाईबंदी होती है और एक पार्टी के सांसद और विधायक का दूसरी पार्टी के राज्य में सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार ने सोमनाथ भारती के साथ सलूक किया है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर कार्रवाई करें विधानसभा अध्यक्ष। यानी कि रामनिवास गोयल ये समझने की कोशिश कर रहा है या कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से रामनिवास गोयल ने दिल्ली विधानसभा में पर्चा फेंकने वाले 2 लड़कों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया था, उस तरीके की कोशिशें दूसरे प्रदेशों की विधानसभा भी करें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग संविधान से चलते हैं और उन प्रदेशों में कानून का राज चलता है, वहाँ किसी केजरीवाल या मनीष सिसोदिया की दादागिरी नहीं चलती है और इसीलिए सोमनाथ भारती जैसे पूर्व मंत्री और विधायक को उसके किए की सजा मिलने में देर नहीं लगती है। इससे पहले
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके की बातें की थी और तमाम खरी खोटी सुनाने की कोशिश की थी योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वहां पुलिस अपना काम करती रही, गवाह अपना काम करते रहे और तो और दो नागरिकों ने भी सोमनाथ भारती के खिलाफ केस कर दिया था, जिसकी वजह से सोमनाथ भारती को दो दो कोर्ट से जाकर जमानत लेनी पड़ी थी। लेकिन तभी हमने बताया था कि सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से तो इसको जमानत मिल गई है, रायबरेली के कोर्ट से दोबारा इसे जमानत लेनी पड़ेगी और वहां विनोद कुमार बर्नवाल की कोर्ट ने जमानत तो दी लेकिन शर्तों के साथ, और उसी तरीके से जो जमानत सुल्तानपुर में मिली थी वहां भी यही बातें कही गई थी कि सोमनाथ भारती को हर हालत में अदालत में पेश होना पड़ेगा और उसके रसूख का यहां कोई भी रौब नहीं चलेगा। इससे पहले सोमनाथ भारती की योजना यह थी कि वो उत्तर प्रदेश में जाकर स्कूलों कॉलेजों और अस्पतालों का मुआयना करने के बहाने योगी सरकार पर सवाल उठाएगा और ऐसा करते हुए इस सोमनाथ भारती नाम के तथा कथित एडवोकेट ने ऐसी बातें कह दी थी जिससे न केवल पुलिस को दिक्कत हुई और उसके साथ साथ जो आम जनता है उसका भी अपमान हुआ था। इसने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इंसानों के नहीं बल्कि कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी बातें करने से पहले यह निर्लज व्यक्ति, इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है। कहने को ये विधायक है लेकिन विधायक होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी अपमान करोगे, पूरे समाज का अपमान करोगे और पूरी संस्कृति का अपमान कर दोगे। उसके बाद जब इस पर केस हुआ तब भी अरविंद केजरीवाल ने उसकी बातों पर माफ़ी नहीं मांगी, इसकी पार्टी ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि ये लोग ये कहते रहे कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनावों में आम आदमी पार्टी योगी सरकार को हिलाकर रख देगी और योगी सरकार का जाना तय है। उसी कड़ी में इस निर्लज व्यक्ति ने तथाकथित विधायक ने यह तक कह दिया था कि योगी की मौत तो निश्चित है और बाद में इसने ट्वीट भी किया था कि योगी का राजनीतिक अंत भी निश्चित है। लेकिन अब 200 घंटे जो इसने जेल में बिताए हैं और जेल व्यवस्था से इसकी अकल ठिकाने लगती हुई नज़र आ रही है, उसके बाद में ये व्यक्ति बेहद संयत होकर बात करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसे पता है कि अभी भी ये उत्तर प्रदेश में है और अगर कोई भी कानून का उल्लंघन ये करेगा, कोई भी अपराध करेगा, कोई भी अपशब्द कहेगा, निश्चित तौर पर इसकी दोबारा से गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ पर इसके खिलाफ दंगा करने का केस चल रहा है, मारपीट करने का केस चल रहा है। इसने एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ में, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मारपीट की थी, गाली गलौज की थी और वहाँ अपने 300 समर्थकों के साथ ये उपद्रव करने पहुँच गया था। इसे ये लगता था कि जैसे एम्स में इसने इस तरीके की हरकतें की है वैसी हरकतें उत्तर प्रदेश में भी करके ये बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे सही तरीके से अब लगता है कि सबक सिखा दिया है, क्योंकि कानून की दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो अगर एमएलए है एमपी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसने अपराध कैसा किया है और किसके खिलाफ किया है। निश्चित तौर पर जो अपराध इसने उत्तर प्रदेश में किया था उनके मामले तो अभी चलेंगे, जाँच भी आगे बढ़ेगी, चार्जशीट भी दाखिल होगी, लेकिन दिल्ली में जो अपराध इसने कर रखे हैं, चाहे वो विदेशी महिलाओं के साथ हो, विदेशी टूरिस्ट के साथ हो या अपनी पत्नी के साथ इसने जो घरेलू हिंसा की थी, मारपीट की थी और पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ने का काम किया था, या फिर इसने जो कुछ एक टीवी एंकर के साथ किया था, लेकिन टीवी एंकर थोड़ी सीधी निकली और उसने इसके खिलाफ केस नहीं किया, अगर वो केस कर देती तो निश्चित तौर पर उस मामले में भी सोमनाथ भारती को जेल जाना पड़ता और केजरीवाल की एक बार फिर से किरकिरी होती। लेकिन किरकिरी का तो केजरीवाल को आदत पड़ चुकी है और वो जब से नेता बनने की प्रक्रिया में आया है तभी से वो अपनी किरकिरी कराने को अपनी शान समझता है और कई बार तो किरकिरी कराने के लिए ये आम आदमी पार्टी और इसके नेता अपने आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं और इसीलिए लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि सोमनाथ भारती के ऊपर जो स्याही फेंकी गई है कहीं आम आदमी पार्टी का ही तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस व्यक्ति ने, जितेंद्र सिंह ने स्याही फेंकी थी, उसने बयान भी दिया था और ये कहा था कि इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है, योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है, इसलिए मैंने इसको सबक सिखाने के लिए इसका मुंह काला किया है। बाद में कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने उस व्यक्ति को 51,000 रुपये देकर सम्मानित भी किया था और स्थानीय विधायक ने यह भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ देश के एक बड़े संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो पूजनीय हैं, उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपशब्द आकर कहेगा, दिल्ली से आकर इस तरीके की बातें करेगा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, पार्टी पक्ष अपनी जगह है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ, एक संत के खिलाफ इस तरीके से उलझलूल बातें करेगा, गाली गलौज करेगा, अपशब्द कहेगा, तो जो उसका सबक सिखाएगा हम उसको इनाम देंगे,
करेंगे और इसी के तहत स्याही फेंकने वाले युवक को 51,000 रुपए का इनाम हरचंदपुर के विधायक ने दिया था। और इस बात से ये बात एक संदेश और आम आदमी पार्टी को पहुंच गया था कि वो जो घिनौनी राजनीति दिल्ली में करके पार्टी ने सत्ता प्राप्त कर ली थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था, उस तरीके की घिनौनी राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में ऐसा करना चाहेंगे तो फिर ये दौड़ाए जाएंगे, भगाए जाएंगे और जनता इनको बहुत अच्छा सबक भी सिखाएगी, जैसा सबक का एक ट्रेलर अभी सोमनाथ भारती को मिल चुका है। अगर आम आदमी पार्टी और इसके उलझलूल नेता, बहरूपीय नेता कुछ और ज़्यादा बेजा हरकतें करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जय हिंद, जय भारत।